Thank you. Thank you, दीपू भैया. आज हम लोगों ने इस मस्त माहौल के अंदर छोटा सा फ्रूट स्लर्प स्टोरी प्रेजेंट करने वाले हैं. फ्रूट स्लर्प स्टोरी प्रेजेंट करने वाले हैं. इस फ्रूट स्लर्प स्टोरी के आपको बेस तो पता ही है, एज वी नो द ब्यूटीफुल एंड द वंडरफुल डे ऑफ माई फादर एंड मदर. सो इस प्यारी सी लव स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस प्यारी सी लव स्टोरी को अंजाम हम सोच नहीं सकते कि दो दिल कब कैसे मिले, हम कोई नहीं जानते. इसको ऊपर हमने एक छोटा सा स्टोरी के रूप में आपके सामने ये प्रेजेंट करने वाले हैं. तो नेहा, आप क्या सोचती हैं कि दो दिन मिले कैसे? वो तो हमारी स्टोरी से ही पता पड़ेगा सबको. हमारा सरप्राइज था वैसे ही, एक छोटा सा प्ले हमारी तरफ से, हम बच्चों की तरफ से, हमारे प्रिय चाचा जी दादी जी को. देखते हैं इनकी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई. तो क्या आप रेडी हैं सर? एक प्यार का एहसास जो बचपन में किसी ने सोचा ना था कि एक लड़की विदा होकर किसी और के घर में चली जाएगी और वो घर उसका अपना हो जाएगा. हम कभी नहीं सोच सकते कि एक लड़का कभी किसी के और जाए और एडजस्ट हो जाए. बट एक लड़की क्यूट सी, प्यारी सी, मेरी माँ के रूप में हम सबको एक प्रेरणा के रूप में मिली. तो हम हमारे स्टोरी के हीरो एंड हीरोइन को बुलाना चाहते हैं. सो क्या आप रेडी हैं हमारे हीरो से मिलने के लिए? हीरो को बुला दें. हमारे कैरेक्टर थोड़ा तैयार होने में टाइम लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा. आइए, ये बात बिल्कुल वही है, सेम वही लुक वही अंदाज. प्लीज हमारे गामी जी के कुछ भावनाएं हैं जो सुनाना चाह रही हैं. बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को प्यार. आदरणीय दीदी जिया जी, 25 साल गुजर गए. कितने हंसी लम्हे गुजर गए, कितनी खट्टी मीठी यादें गुजर गई. आपने कितना ही संघर्ष किया, कितने दुख देखे, कितने सुख देखे. उन्हीं प्यारे लम्हे लम्हों के बाद में आज का ये दिन आया. आज के दिन आपको देखकर एक पोएम याद आती है जो कि मैं आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ. अपनी गृहस्थी को कुछ इस तरह बचा दिया करो, अपनी गृहस्थी को कुछ इस तरह बचा लिया करो. कभी आंखें दिखा दी, कभी सर झुका लिया करो. कभी अपनी आंखें दिखा दी, कभी सर झुका लिया करो. आपसी नाराजगी को लंबा चलने न दिया करो. आपसी नाराजगी को लंबा चलने न दिया करो. वो ना हंसे तो तुम मुस्कुरा दिया करो. वो ना हंसे तो तुम मुस्कुरा दिया करो. रूठ कर बैठे रहने से एक घर भला कहाँ चलते हैं. रूठ कर बैठे रहने से एक घर भला कहाँ चलते हैं. कभी उन्होंने गुदगुदा दिया, कभी तुम मना लिया करो. कभी उन्होंने गुदगुदा दिया, कभी तुम मना लिया करो. खाने पीने पे विवाद कभी होने न दिया करो. खाने पीने पर विवाद कभी होने न दिया करो. कभी गर्म खाली, कभी बासी से काम चला लिया. कभी गरम खाली, कभी बासी से काम चला लिया करो. मियाँ हो या बीवी, मियाँ हो या बीवी, महत्व में कोई भी कम नहीं. कभी खुद डॉन बन गए तो कभी उन्हें बॉस बना दिया करो. अपनी गृहस्थी को कुछ इस तरह बचा लिया करो. अपनी गृहस्थी को कुछ इस तरह बचा लिया करो. और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, आपकी जोड़ी सलामत रहे. आपकी जोड़ी सलामत रहे. जीवन में बेशुमार प्यार बहे. हर दिन आप खुशी से मनाएं. आपको शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं. थैंक्स, बहुत अच्छी बात है क्योंकि इमोशंस ऐसे होते हैं कि जो बहुत बढ़िया गिफ्ट होता है किसी भी कपल के लिए. और यादगार
लम्हों को वो और ज़्यादा यादगार बना देता है। प्लीज़। वैसे तो मैं आप दोनों के बारे में कुछ तारीफ जितनी करूँ सब तो मैं बयान नहीं कर सकती आप लोगों की तारीफ, और छोटी बहन की तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद एक बार फिर से देना चाहती हूँ। आप दोनों की जोड़ी कभी ना टूटे, भगवान करे आप एक दूसरे से कभी ना रूठें, यूं ही एक होकर आप ये ज़िंदगी बिताएं, आप दोनों से खुशियों की एक पल कभी ना छूटे, आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक। बहुत अच्छी है, आसमान में भी आवाज आनी चाहिए। मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, प्लीज मेरे दिल से तुम्हें दुआएं खूब सारे। आज के दिन मैं हरिओम जी को बहुत मिस कर रही हूँ, कृपया उन्होंने मेरे को इतना अच्छा प्यार दिया। थैंक यू। अभी और आप भी अपनी शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं? आज मेरी बुआ और फूफा जी की एनिवर्सरी पे हमेशा एक पोयम याद आती है, आज हम वो सुनाएंगे। रोज सुबह मिलते हैं इनसे, क्या हमको करना ये बतलाते हैं, लेकर तस्वीर इंसानों की सही गलत का भेद हमें ये बतलाते हैं। हैं रंग कहीं इस जीवन में, रंगों की दुनिया से पहचान ये कर पाते हैं। खोना जाए भीड़ कहीं हमको हमसे ही मिलवाते हैं, ऐसा एहसास ये करवाते हैं। कोशिश करते रहना हर पल, जीवन का अर्थ हमें ये बतलाते हैं। रिवाइंड कर रहा हूँ प्लीज, आप इसको ऐसे ही देखिएगा जैसे ये 25 साल पुरानी स्टोरी चल रही है, क्योंकि जब ये फ्लैशबैक वापस आएगा तब हम वापस यहाँ आ गए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। हमारे हीरो के तो ख्वाब बड़े बड़े हैं, अब देख रहे हैं इनकी हीरोइन के कितने ख्वाब बनते हैं, और इनकी टन 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 में कितनी आवाज़ है। हमारी हीरोइन और हीरो की एंट्री तो बड़े धांसू निकली है, अब ये उनके सपने थे, उनके ख्वाब थे, हम सपने देख रहे हैं एडल्ट एज के अंदर क्या होता है, अब देखते हैं इनकी मुलाकात कैसे होती है। इनकी सोच तो हमें दिख गई, पर अब ये मिले कैसे, क्या सोचती है नेहा, ये कैसे मिले होंगे? वो तो हमें भी जानना है, और हमारी सारी ऑडियंस भी बेकरार है शायद इसको देखने के लिए। तो
सोनू भैया, जिसमें हमारे सोनू भैया पापा का रोल प्ले कर रहे हैं और पूनम भाभी मम्मी का रोल प्ले कर रही है। एक शादी में जिनकी इनकी नजरें टकराई थी। वाह वाह राम जी। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को, बधाई हो बधाई। वाह वाह राम जी, आपकी कृपा से ये शुभ घड़ी आई, जीजी और जीजा को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। एक मिनट, अब हमारे पापा मम्मी का भी थोड़ा एक्ट तो होना चाहिए ना। सुनो। हाँ। बच्चे कह रहे हैं कि आज मैं पिक्चर देखने चले जाएंगे। आए। नहीं क्या, बच्चे का मन है, जाने दो ना। बोला ना नहीं नहीं। आपने अगर नहीं पहचाना हो, मेरे ख्याल से इस एक्ट के बारे में पहचान गए होंगे। तो मुलाकात का सिलसिला यही बरकरार रहता है और अब देखते हैं इनकी नजरें कैसे मिलती है। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे करते थे वही बात हो गई। तो इस तरीके से इनकी नजरें मिली और आई कांटेक्ट हुआ है। प्यार का कारवा इस कदर चल ही रहा था कि अब देखते हैं इनकी मुलाकात तो हो गई। अब दो दिल भी मिल चुके हैं, अब इनकी मुलाकातों का सफर आगे बढ़ते कैसे रहा, इनका प्यार कैसे आगे बढ़ा। आप हमारा फंक्शन या इवेंट को ऑर्गेनाइज मतलब इंजॉय कर सकते हैं, खाना खाते खाने के साथ भी, अगर कोई भी चाहे तो खाना खा सकते हैं। अगर भूख लग रही हो तो प्लीज़ मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि खाना लग चुका है, प्लीज़ अपना भोजन भी साथ साथ करें। हाँ, खाना खाते खाते आप इस शो को एंजॉय कर सकते हैं, इसलिए मैंने इंटरप्ट किया था बीच में। अब मैं वापस इस शो को कंटिन्यू करवाता हूँ। सॉरी। इनकी मुलाकात इस कदर बढ़ती रही, हम सोचते हैं कि मिले कैसे, सब कुछ मिल भी लिए, दो दिल भी मिल गए, अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। इनके रिश्ता भी पक्का हो गया, हो चुका है, जीजा जी जीजी की तरह, ताऊ जी ताई जी के साथ दो दिल भी मिल चुके हैं। शादी किसी और की, दिल किसी और के मिल रहे थे। सो अब देखते हैं ये लोग मिलते कहाँ थे। अब कॉलेज का सीन है जिसमें हमारी चाची जी का एग्जाम खत्म हुआ है और बाहर वो बांगड़ कॉलेज के बाहर वेट कर रही थी मिलने के लिए। तो देखिए जरा वो नजारा, उनका पेपर खत्म होने के बाद उनको कितना इंतजार करना पड़ा। बांगड़ कॉलेज गया, मेडिकल कॉलेज गया ना। कोई हसीना जब रुक जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया।
हरे रंग पर से फिके चुनर बा हरे रंग पर से फिके चुनर वाली रंग पर से वचन जो 25 साल पहले लिए गए थे उनके अगेंस्ट में कुछ अलग से वचन दिलाए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा। अब ये 25 साल बाद वाले चाचा जी चाची जी आ रहे हैं, अभी तक जो आपने देखे थे वो 25 साल पुराने वाले थे और पुरानी फ्लैशबैक की स्टोरी अब ख़त्म हो गई है। अब वापस हम आज के समय में आ चुके हैं तो प्लीज़ वेलकम करें वापस हमारे एक्चुअल हीरो हीरोइन का। हाँ जी, सबसे पहला वचन मम्मी पापा को दे रही हूँ। मम्मी पापा से कह रही है आप मुझे वचन दीजिए कि आप जब भी खिचड़ी खाएंगे उससे पहले मुझे याद करेंगे। सही है कि नहीं? वचन दीजिए। सही है, क्या याद करूँगा? पापा को वचन जब भी आप गुठा खाएंगे तो आप मुझे याद करेंगे। सही है कि नहीं? सही है। गुठा देखेंगे जब ही याद कर लेंगे। और एक मिर्ची बड़ा, मम्मी की तो प्लीज मिर्ची बड़ा जरूर फेवरेट। अब हम सब मम्मी पापा से एक वचन लेना चाहते हैं। उस टाइम तो हम नहीं थे पर आज हमें मौका मिला तो ले लेते हैं। सही है कि नहीं? आप बच्चे जो वचन लेना चाह रहे हैं अपने मम्मी पापा से और हम चाचा चाची से, हम सब आपसे आज ये वचन लेना चाहेंगे कि आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर जैसे दोनों एक साथ रहे, चाहे कैसी भी अच्छी कंडीशन बुरी कंडीशन सब में एक साथ रहे,
आज हम बच्चे आपसे वचन मांगते हैं, आप लोग हम सब के साथ हमेशा इसी प्यार के साथ रहेंगे। थैंक यू। मगर फिर भी अनजान है।